वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द सिलेक्शन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। आई एम रोहित मारवा, योर इंग्लिश फैकल्टी। जैसे कि आपको पता है, मैं पिछले 5 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्या कहते हैं, आज मैं आपके सामने जो बात रखने आया हूँ उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि जो मेरा कोर्स है वो ऑनलाइन आ चुका है, जिस भी बच्चे ने लेने हैं वो ले सकते हैं। अगर आप किसी भी सेंटर पे देखो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत सारा डिफरेंस दिख जाएगा मेरे वीडियोज़ की प्ले लिस्ट में भी और इसमें भी, कि इंग्लिश का लेवल क्या है और आप क्या पढ़ रहे हैं। मैं तो समझा के बच्चों को थक चुका हूँ कि इंग्लिश आपको सेपरेट लगानी पड़ेगी, चाहे बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग जी जितना भी आप कहीं भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो ये कंबाइन कोचिंग में हो ही नहीं सकता। टीचर सब बढ़िया हैं, टीचर सब कंसेप्ट से कराने लग गए आजकल। जिस तरह ऑनलाइन वीडियोस मार्केट में आने लग गए, सब ने पढ़ लिया एक दूसरे का, सब कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं आजकल, कोई वो नहीं है। पर पढ़ा वो ही सकता है जो आपको टाइम देगा बच्चों। इंग्लिश में टाइम जरूरी है और इन कंबाइन में टाइम दिया नहीं जाता। मैंने कहा सर मैं इंग्लिश में 5 महीने बैच चलाता हूँ सर, 3-4 महीने सिलेबस होता है, फिर 1 महीना टेस्ट होता है, सब होता है, फिर भी सर स्ट्रेंथ यहाँ कम रहती है, क्या चक्कर है। तो बोले, मैं गया था एक बार बस स्टैंड साइड में, तो मिलने गया था किसी एकेडमी से ऐसे ही, ठीक है। तो उन्होंने बताया आपने एकेडमी जो ले रखी है वो कहाँ है। मैंने कहा यहाँ है, ठीक है। कहते बड़े से बोर्ड लगा रखे हैं। मैंने कहा नहीं सर, कोई बोर्ड नहीं लगाता मैं बड़े, कोई ऐसा नहीं, रिसेप्शनिस्ट बिठा रखी है। मैं नहीं, तो फिर तो मुश्किल है। देखो बाहर आपको बोर्ड बड़े बड़े लगाने और रिसेप्शन पे एक मैम बिठानी जरूरी है। अंदर चाहे फिर आप लोहा बेच लो, पत्थर बेच लो, बिक जाएगा, पर अंदर आप हीरा भी बेच रहे हो नहीं बिकेगा अगर बड़े बड़े बोर्ड बच्चों को ना दिखे। बोर्ड दिख जाए तो बच्चा समझता है अंदर कुछ अच्छा है। तो इस गलतफहमी में हट जाइए, ऐसा नहीं होता कुछ भी। अंदर क्या है, बोर्ड देख के पागल मत हुआ करो कि ये सेंटर वो है। टीचर सब बढ़िया है इंग्लिश के, आजकल टीचर सारे ही बढ़िया हो गए हैं, पर बढ़िया टीचर वो है जो आपको प्रैक्टिस करवा दे और ये सब करा दे। और इंग्लिश में प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। कहीं स्पेशल कोचिंग भी ले रहा है वो भी 3 महीने में आजकल खत्म करने लग गया सारा खेल, प्रैक्टिस नहीं कोई बात नहीं। इंग्लिश तो सब अच्छी करवा रहे हैं और सबकी समझ भी आ जाती है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका समझ आ जाता है। बच्चे को कहता है बढ़िया है, पर किसी से क्वेश्चन नहीं हो पाते, समझ सबका आता है। आजकल लोग हवाबाजी में कह देते हैं मैं तो कॉन्सेप्ट से करवाता हूँ, मैं इससे करवा देता हूँ, मैं उससे करवा देता हूँ, सारे ही कॉन्सेप्ट से करा रहे हैं यार। मेन है तुम्हारी प्रैक्टिस और टाइम कौन दे पा रहा है, टाइम का खेल है सारा, ठीक है। तो जब भी मैं 4 से 5 महीने लग जाते हैं इस चीज़ को, तो मैं इस चीज़ को ऑनलाइन पे ले आया कि मैं ऑनलाइन तो बच्चों को दे ही दूंगा ना ये चीज़, क्लास में नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैं पहले एक बैच लेकर आया था जो कंप्लीट इंग्लिश का था, उनके लिए जिन्होंने इंग्लिश की क्लास कहीं लगाई तो है पर समझ नहीं आया कुछ भी, तो ये तो है उनका इंग्लिश का, स्पेशल कोचिंग नहीं लिया ऐसे ही, ठीक है। ये कंप्लीट इंग्लिश है, इसमें सारे चैप्टर्स हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन है ये सब, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन की फीस है यहाँ पर, ऑफलाइन की अलग फीस है। वो ज्वाइन करना तो वो भी हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं आप इस नंबर पे कॉल करके 8708243324, ठीक है। और ये हमारा एड्रेस है हिसार में, फर्स्ट फ्लोर गणपति प्लाजा रेड स्क्वायर मार्केट हिसार, ठीक है बच्चों। ये तो है कंप्लीट इंग्लिश, पर ये बैच तो हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इसमें अच्छे बच्चे जुड़े थे हमारे साथ, पर उन बच्चों ने यूं कहा सर हम इतनी इंग्लिश तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कई बच्चों ने कहा सर हम इंग्लिश सारी कर चुके हैं कहीं भी जगह स्पेशल, हमें प्रैक्टिस करवा दी जाए, ये हमें नाउन प्रोनाउन सारा हमने कर लिया है, प्रैक्टिस के लिए भी और दिया जाए। तो कई बच्चों का मेरा मैसेज है कोई ऐसा बैच लाइए जिसमें सर सच में इंग्लिश आ सके। हम बड़े से बड़े दिल्ली मुखर्जी नगर में भी कराएं इंग्लिश, हमसे एरर फिर भी नहीं निकलते, बड़े से बड़े टीचर से कराए फिर भी एरर नहीं निकलते। उसका रीजन यही है बच्चों, चाहे इंग्लिश कोई आपको रूल से पढ़ा रहा है, चाहे आपको बड़े से बड़े कह के कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा है, इंग्लिश आएगी ही नहीं जब तक ढंग से ना करवाई जाए। क्योंकि इंग्लिश में सारे टीचर्स आजकल सिलेबस खत्म करवाने पे तुले हुए हैं, सिलेबस खत्म करवा दें किसी तरह बस, प्रैक्टिस उनको पता ही नहीं है करवानी है। जब तक कराओगे नहीं तुम कितना ही कॉन्सेप्ट से करवा लो। टीचर ने कह दिया मैं तो कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ। अरे पढ़ा ले भाई कॉन्सेप्ट से, बच्चे का क्या है, उसने अपनी हवाबाजी से बता दिया ये ऐसे होता है, तुमने आज तक रूल से पढ़ा था ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। अरे ठीक है, तेरे को पता है ये एक हवाबाजी, इससे कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश आएगी प्रैक्टिस से। तो मैं लाया हूँ एक प्रैक्टिस बैच। इस बैच में क्या होगा एक बार सुनिए, इस बैच में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसकी फीस सुन लीजिए पहले, सिर्फ 500 है, ओनली 500। इस नंबर पे चाहे गूगल पे करिए, पेटीएम करिए, फोन पे करिए। अब आगे सुनिए मेरी, इसमें होगा क्या, एक बार इन 2 क्वेश्चन को देख लेना जाने से पहले, ठीक है। और अपना स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे कर दीजिए कि मैंने ये कर दिया। सिर्फ फीस 500, मामूली सी फीस है, होगा क्या सीखिए। आज तक आपने इंग्लिश में सीखा क्या, कॉन्सेप्ट होता गया, नाउन होता गया, प्रोनाउन होता गया, फटाफट होता गया, जो किसी ने कॉन्सेप्ट बता दिया ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वैसे है, आपने सीख लिया, चाहे किसी ने रूल से बताया चाहे किसी ने कॉन्सेप्ट। बात जैसे करनी थी वैसे नहीं हुई। मैं यहाँ पर डेली आपके पास वीडियो पहुँचेगी लिंक के थ्रू,
डेली बस 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा और वो 10 क्वेश्चन बच्चों 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे, तब इंग्लिश आएगी। इसे कहते हैं इंग्लिश ढंग से सिखाना। ये नहीं कि मैं तो रूल से नहीं पढ़ाता, मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ा देता हूँ, ये कर देता हूँ, फालतू बातें हैं। सब कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, टोटली कॉन्सेप्ट, सबको पता है ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, मेनली है प्रैक्टिस, वो किसी पे टाइम नहीं है करवाने का, ठीक, टाइम ही नहीं है। 3 मंथ में खत्म करके नया बैच लगाना होता है, कौन इतना बिठाए रखे बच्चों को पुराने, नहीं करता मेहनत, ठीक है। तो मैंने कहा 10 क्वेश्चन है जो भी है, 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे ये 10 क्वेश्चन जो डेली डिस्कस करे जाएं। कैसे ये सीखिए, इन 2 क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं मैं, कैसे सिखाऊंगा सुनो। ही ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। अब सब्जेक्ट आ गया तो बच्चे वर्ब आएगी, तो कोल्ड अपॉन एक पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है, वर्ब ही समझो इसको, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब। कोल्ड अपॉन किसको बुलाया, हेवन स्वर्ग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है जिसने, बच्चों ये उनके लिए, ये बैच जिन्होंने इंग्लिश कहीं भी पढ़ लिया है, जो बड़े से बड़ा कहता है मैं तो उस पे पढ़ाया, मैं इस पे पढ़ाया, उनके लिए ये बैच, ठीक है ना बच्चों, जो सीख चुका है सब, और किसी के लिए नहीं है ये बैच, जो कहीं ना कहीं सीख चुका है, बस ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट सीख के खुश हो गया, मैं तो उस बड़े टीचर से सीख के आया हूँ, सर बहुत बड़ा टीचर था, मैं उससे सीखा, आती उसको नहीं है, आज भी उसके एरर नहीं निकलते, कहते सर मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर के सबसे बड़े टीचर से पढ़ ली इंग्लिश, पर मेरे से एरर नहीं निकलते, वही प्रैक्टिस नहीं करवाई, बस कॉन्सेप्ट बता के उसे कह दिया मैंने, कॉन्सेप्ट बताया साइड हो जाओ सीखो। कॉल्ड अपॉन हेवन ऑब्जेक्ट है, हेवन आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों एडवर्ब आता है, जिसने पढ़ रखा है उसे पता है, और एडवर्ब इन्फिनिटिव बन सकता है। कॉल्ड अपॉन हेवन वाई, क्यों पुकारा। अब एडवर्ब होता है 2v1, नाउन भी 2v1 की शक्ल का होता ही है, और इन्होंने लिख दिया 2 resolved, एरर पकड़ा गया, रिजोल्व। अब ये अपने आप को वर्ब भी मानते हैं, एडवर्ब मानते हैं, वर्ब तो होते ही है ये, 2 resolve व्हाट, विटनेस इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेवर आता है मेन वर्ब से पहले, ही अपने आप को मेन वर्ब मानते हैं। अब कहोगे एक 2v1 आ गया, ये दूसरा 2v1 क्यों आ गया। एक सेंटेंस में एक वर्ब आ सकती है, बाकी सब नॉन फाइनाइट आती हैं। ये एडवर्ब बनकर बैठी है, टू रिजोल्व हिज विटनेस, विटनेस एक नाउन है, किस तरह का विटनेस, कैसा विटनेस, कौन सा विटनेस, व्हाट काइंड ऑफ विटनेस, टू ड्राइव ये वाला विटनेस, तो ये एडजेक्टिव बनकर बैठा है, और अपने आप को वर्ब मानता है, टू ड्राइव हाउ। ऐसे एरर पकड़ में आएगा, एक एक वर्ड पे जब बात होगी ऐसे ही 10 sentences डिस्कस किए जाएंगे, ये इसलिए आया, ये इसलिए आया, ये इसलिए आया, उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश सीख चुके, तभी एरर आएगा। एक एक वर्ड पे बात की जाएगी, हैवन ही क्यों लिखा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस, कितना ये बढ़िया सेंटेंस दिया हुआ है, इसे बात करते हैं। सिंस व्हेन हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्या आएगा, Has started, आधे ज्यादा बच्चे ये कराएंगे, has V3, has started, और जब मैं इसका आंसर बताऊंगा ना हैरान हो जाओगे तुम, has starting, कहोगे has के बाद तो V3 आता है, has starting कैसे आ गया। अब सीखो क्या चीज है, ऐसे सीखो, smoking has been a bad habit, smoking एक बुरी आदत रही है, इसका क्वेश्चन बनाओ, has आगे आ जाएगा, बन गया क्वेश्चन, हैज के बाद आया कि नहीं आया ing, क्योंकि बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, मेन वर्ब वहीं रहती है, अरे ये रही इसकी V3 है, V3 क्वेश्चन मार्क, आगे बात है, और जेरंड अपने आपको सिंगुलर मानते हैं इसलिए हैज, ये वही चीज है। और WH वाला क्वेश्चन बनाना है, व्हेन कब, क्वेश्चन बना लो कोई दिक्कत नहीं है, WH वाला, तो ये सिंस व्हेन आया WH वाला क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, WH वाला कब से, ये बिजनेस ऐसा रहा है, आसान रहा है, ठीक है, बीन, ये आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा आपको, ये रहा सब्जेक्ट, जैसे स्मोकिंग ऐसे स्टार्टिंग, और ये अपने आपको वर्ब मानता है, स्टार्टिंग व्हाट, ये बिजनेस इज जेरेंड का ऑब्जेक्ट, तो अब बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन, तो आंसर इसका ये बनेगा, देखो सिंस, ये तो हो गया WH वाला क्वेश्चन, अब हेल्पिंग वर्ब हैज स्टार्टिंग सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, जैसे वहां स्मोकिंग है, और ये अपने आपको वर्ब मानता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इसको भी दे दो, स्टार्टिंग है बिजनेस, इसकी V3 कहां गई है, जो हेल्पिंग वर्ब आ गया, V3 मांगता है ना ये, अरे ये तो सब्जेक्ट है, जेरंड है ये, नाउन, इसकी V3 ये री बीन, सो इजी, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, तो बताओ कौन सा ठीक है। देखो हैज के साथ भी ing आ रहा है, और कोई बच्चा नहीं लगा के आएगा अगर उसे ये बेसिक नहीं पता तो ढंग से। देखो सब्जेक्ट बच्चे इसमें जेरेंड था, ये नाउन, जैसे लेटर को समझते हो तुम, राम को समझते हो, ऐसे यहां ये रहा सब्जेक्ट, स्टार्टिंग व्हाट, बिजनेस ये इसका ऑब्जेक्ट, ये
स्टार्टिंग अ बिजनेस यहां लिख दो, हैज बीन, लोकेशन नहीं है अब, स्टार्टिंग अ बिजनेस हैज बीन सो इजी, और हैज इधर आ गया, आ गया तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह हम एक एक वर्ड पे डिस्कस करेंगे, 10 सेंटेंस होंगे डिस्कस, ज्यादातर नॉन फाइनाइट वर्ब के जो हो अल्लाह मचा रखा है जिसने बहुत बुरी तरह से, 10 सेंटेंस डिस्कस हो पाएंगे क्योंकि एक एक चीज पे डिस्कस करना है, प्रैक्टिस है, इससे इंग्लिश जरूर आएगी आपको, ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करने से। ये कोई बैच खरीद लिया पूरा का पूरा, उसने नाउन प्रोनाउन पढ़ाना है, कोई नहीं, वो बैच इन बच्चों के लिए है जिन्होंने इंग्लिश करी नहीं है कहीं भी, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, जिन्होंने इंग्लिश कहीं पढ़ लिया अच्छे से, अच्छे टीचर से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सीखना ढंग से, इस प्रैक्टिस वैसे करके वो इंग्लिश निकालना चाहते हैं, एक एक वर्ड ये क्यों है, ये क्यों है, इस पे किसी ने बात नहीं की, ये ऐसा ही क्यों है, ये सिंस व्हेन क्या है, सब 10 क्वेश्चन डिस्कस बस, अच्छे से उनका पूरा खेल 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे वो 10 क्वेश्चन, अगर एक एक वर्ड बात की जाए, कोल्ड अपॉन क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ये क्या है, ऐसे। तो ये आपकी फीस है, ओनली 500 है, ज्वाइन कर सकते हैं आप इसे आज से ही इसी नंबर पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करके, व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर कर दो स्क्रीनशॉट, जिसका आ गया उस पे लिंक आना शुरू हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।